सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माई न्यू वीडियो। सो गाइस, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यानी बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जो कि दोस्तों, मैं एक क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ यूनिपे का। यानी कि दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड आया है, लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल में, कुछ दिन पहले एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था, यूनिक क्रेडिट कार्ड। इसमें दोस्तों आपको क्या मिलता है, इसमें आपको कुछ लिमिट मिलती है, यानी कि आपको कुछ लिमिट दी जाती है यूनिपे की तरफ से, यूनिक कार्ड की तरफ से आपको कुछ लिमिट दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि दोस्तों, उसको आप 3 मंथ में आप उसको पे कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, अगर आपको दोस्तों 15,000 रुपये की लिमिट मिली है, तो दोस्तों आपके बिना चार्ज किए कुछ भी चार्ज आपसे नहीं लगेगा, आपको 3 मंथ में वो आप पे कर सकते हो। जैसे कि आपको पे लेटर नाउ का ऑप्शन सुना होगा आपने, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल योर स्पेंड डिवाइड 3 पार्ट 3 मंथ 0% इंटरेस्ट। जैसे कि दोस्तों उन्होंने लिख रखा है 3 मंथ के लिए आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। 3 मंथ में आप इनका जो भी आपको लिमिट मिलती है वो यहाँ पर आप इनको शो आप कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों इन्होंने लिख रखा है 1% रिवार्ड व्हेन यू पे इन फुल। अगर दोस्तों आप इनसे मतलब कहीं पर भी यूनिक कार्ड से पे करते हो, तो आपको दोस्तों 1% का आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप कहीं पर भी इसका पेमेंट करते हो, तो दोस्तों वहां पर आप इसको अपने हिसाब से पेमेंट तोड़ सकते हो, यानी 3 पेमेंट में आप इसको पेमेंट रीपेमेंट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों इन्होंने लिख रखा है इंस्टेंट कार्ड विद इन मिनट्स, यानी कि दोस्तों कुछ ही मिनट में आपको ये कार्ड मिल जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, आपको प्ले स्टोर से जाकर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद में आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप नंबर वेरीफाई कराते हो, ये आपके पास में एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही दोस्तों आप OTP वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिख, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप 3 स्टेप में आप अपना यूनिक कार्ड आप एक्टिव कर सकते हो। सो गाइस, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टेड एलिजिबल चेक, यानी दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कैसे करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी दे देनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पर आपको दे देनी है। सो गाइस, ईमेल आईडी डालने के बाद में दोस्तों आपको अपना कार्ड डिलीवरी पिन कोड डाल देना है। जैसे जो कि दोस्तों आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप पिन कोड डालोगे, आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डिटेल मांग रहा है, एंटर योर पैन डिटेल। जो भी आपकी पैन की डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर फिलअप करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपनी पैन डिटेल डाल देते हो, जैसे कि अपना पैन नंबर डाल देते हो, अपना पैन पर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर डाल देते हो। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में दोस्तों आप नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो, इसके बाद में एक ऑप्शन आ जाएगा आधार KYC का। जैसे कि दोस्तों मेरे सामने ये ऑप्शन कुछ और आ रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन कुछ और आ रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रहा है दिस डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी बीन सबमिट बाय अनदर वेरीफाई यूजर। यानी कि दोस्तों मैंने पहले से ही इसको अप्लाई कर रखा है, ये लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि दोस्तों दिस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय अनदर वेरीफाई यूजर। यानी कि दोस्तों मेरे पास ये पहले से ही मैंने अप्लाई कर रखा है, तो इसलिए मेरे को दूसरा कार्ड नहीं मिलेगा। जो कि दोस्तों मैंने पिन कोड भी दूसरी जगह का डाला था, इसीलिए मेरा ये रिजेक्ट हो चुका है। सो गाइस, आपका ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई अच्छी सिटी में रहते हो, यानी कि दोस्तों आप कोई सी भी सिटी में अच्छी सिटी में रहते हो, वहाँ से आप इसको अप्लाई करोगे, तो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई नहीं दे जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि एक आधार आपकी KYC मांगेगा, आधार KYC, उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको उसको OTP वेरीफाई करना है, और उसको आपको वहाँ पे कोड वोड डालना है, जो भी वो बताते हैं। इसका आगे का स्टेप जो भी होता है वो यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मेरा ये रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले से इसको ऑलरेडी आपको मैंने इसको कर रखा है, पहले से अप्लाई कर रखा है। सो गाइस, मैंने मेरा मतलब ये था कि आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 स्टेप में आपको इंस्टेंटली आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है।
सो दोस्तों उसके लिए सॉरी कि मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल करके नहीं दिखा पाया हूँ, पूरा लाइव प्रूव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर इसके लिए भी थोड़ा दो स्टेप रह रहे हैं, सिर्फ ओनली दो स्टेप। आपको आधार कार्ड KYC करनी है और आपको एक अपनी सेल्फी दे देनी है, उसके बाद में आपकी KYC हो जाएगी और उसके बाद में आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और कुछ दिन के बाद में आपके होम टाउन जहाँ पर भी आप रहते हो एड्रेस पर वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।